व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज मानिक और आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोग मुझसे एक्चुअली क्वेश्चन कर रहे थे, गाना चाहते हैं मनाली, शिमला, कुल्लू, ऋषिकेश, हिमाचल प्रदेश की सरकार से, उत्तराखंड की सरकार से क्या क्या नई गाइडलाइंस आई हैं, क्या चीज़ें हैं, नाइट कर्फ्यू वहाँ लगा हुआ है कि नहीं, होटल्स ओपन हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ों के बारे में लोग मुझसे पूछ रहे हैं। तो आज की मेरी ये वीडियो होने वाली है इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले बात करें नाइट कर्फ्यू की, कि नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है या नहीं। तो हाँ, हिमाचल प्रदेश सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा रखा है अभी लगभग। शायद अगर आप कुल्लू और मनाली जाना चाहते हैं तो वो दोनों जगह पर नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। शाम के 8 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक है वो कर्फ्यू, और शायद अभी तक के लिए वो 15 दिसंबर तक है। उसके बाद शायद पता चलेगा कब तक के लिए रहता है। आपको अभी हिमाचल जाने के लिए कोई कोविड टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जाइए, वहाँ पर घूमिए और ट्रैवल कीजिए। स्पेशल बात यह है कि अगर आप जाना चाहते हो मनाली तो ये परफेक्ट टाइम है मेरे हिसाब से, बिकॉज मैं पर्सनली वहाँ जाना चाहता हूँ अभी के लिए, बिकॉज अभी वहाँ पर हो रहा है स्नोफॉल जो बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप मनाली जाने का प्लान कर रहे हो तो अभी जा सकते हो, कोई भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी ऋषिकेश होकर आया हूँ तो मुझे नहीं लगता कि COVID-19 की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। बस आप हमेशा अपना मास्क पहने रखिए, आप अपना सैनिटाइज़र लेके जाइए, हर जगह सैनिटाइज करते रहिए और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि होटल्स खुले हुए या नहीं, हॉस्टल्स खुले हुए नहीं। तो हाँ, कुल्लू, मनाली, ऋषिकेश, शिमला, इन सारी जगहों पर हॉस्टल्स खुले हुए हैं, होटल्स खुले हुए हैं। आप जाइए, वहाँ पर रह सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। होटल्स के लिए आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो और आप लोकल में भी जाके बुकिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो जो HRTC की बस है हिमाचल प्रदेश की, वो बसेस अभी चल रही हैं। रात को भी वो चलेंगी, बट उसकी एक कंडीशन है कि वो रात को आपको पिकअप नहीं करेंगी। बट अगर आपका टाइम 8 बजे के बाद है, आपको वहाँ पर उतरना है, तो वो आपके लिए चलेंगी, वो आप उतर सकते हो, बट आप चढ़ नहीं सकते, वो आप पिकअप नहीं करेंगी। आप अगर वहाँ पर जा रहे हो तो 8 बजे के बाद अगर आप कहीं पर उतरते हो तो आपका जो पास है वो है आपकी टिकट। आप अपनी टिकट को कहीं भी मत गिराइए, कहीं भी खोइए मत। अगर आपने वो खो दी तो आपको माइट बी पॉसिबल कि पुलिस वाले और वो रोक ले। अगर आपके पास वो टिकट है तो आपके ऐसा पास काम करेगी और आपको कोई भी नहीं रोकेगा। आप जाके वहाँ पर लोकल अपनी सेल्फ बाइक या फिर स्कूटी ले सकते हो, बिकॉज वो काफ़ी अच्छा है। आपके पास अपना व्हीकल होगा तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। प्राइवेट बसेज अभी रात को नहीं चल रही हैं, आपको जो गवर्नमेंट की बस है HRTC की, वो आपको उतारेगी अगर आप 8 बजे के बाद भी जाते हो तो। लोकल टैक्सी भी यहाँ पर ओपन है, अभी लोकल टैक्सी भी चल रही हैं, बट अगर आप उनमें ट्रेवल करते हो तो आप अपनी तसल्ली के लिए आप वहाँ पर सैनिटाइज कर लो उसको अच्छे से। और अगर आपकी खुद की, अगर आपके पास बाइक है, आपने स्कूटी ली है या कार से आप जा रहे हो, तो उसको ध्यान रखना कि सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है और बर्फ़ जम जाती है वहाँ पर अभी के लिए, मनाली स्पेशली। तो आप ट्राई करना कि आप ज़्यादा सुबह कहीं भी अपनी गाड़ी को ज़्यादा टाइम के लिए खड़ा ना करो। एक्टिविटीज़ की बात करें तो सारी एक्टिविटीज़ सब जगह पर चल रही हैं। आप अगर ऋषिकेश जाओगे तो सारी एक्टिविटी चल रही हैं। आप शिमला, मनाली, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, रिवर राफ्टिंग हो या फिर और भी कोई भी चीज़, वो सारी अभी चल रही हैं, आप जाके इंजॉय कर सकते हो। मेरी सलाह ये है कि आप हमेशा अपने पास 2 मास्क रखिए, एक आप यूज़ कर रहे हो वो, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा मास्क रखिए, इसके अलावा अपने पास 2 सैनिटाइज़र रखिए, एक स्प्रे वाला और एक हैंडरब वाला। अगर आपने मास्क नहीं पहना हुआ है इन जगहों पे, हिमाचल प्रदेश में स्पेशली, तो वहाँ पर आपको 1000 रुपये का फाइन है। ना रखना, थोड़ा सा मास्क पहन के रखो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे, ये है मेरी इंस्टाग्राम की आईडी। इसके अलावा आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मुझे आप कमेंट भी कर सकते हो, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।